नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे सरकार मतलब कोई भी रिजल्ट अगर निकलता है आपको या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका परिणाम निकलता है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, मतलब दो वेबसाइट बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ आपको, एक वेबसाइट बताऊँगा जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट। हो सकता है आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अभी भी रिजल्ट हो आपको सरकारी रिजल्ट में मिल जाएगा बहुत आसानी से। क्या करना है आपको, क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर सरकारी रिजल्ट हमने टाइप कर दिया, देखिए आपके सामने यहाँ फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको नीचे की ओर यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ, आपको इसको जूम कर लेना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको लैपटॉप में पर भी इसी तरह का प्रोसेस दिखाई पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा कुछ आपके जितने भी इंडिया में जितने भी रिजल्ट घोषित हुए हैं आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आप यहीं से क्लिक करके आप बड़ी आसानी से यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, आप अगर रिजल्ट आ जाए तो आपको यहीं पर आके यहीं पर देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एमपी बोर्ड क्लास 2021 का रिजल्ट लिखा हुआ, यहीं पर लिखा होगा यूपी बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट, यहीं से ही यहाँ पर लिखा होगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे हम एमपी का आपको बता दे रहे हैं, जैसे एमपी बोर्ड का क्लास 2021 का रिजल्ट निकल चुका है तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको इसकी सारी प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे की उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की स्क्रोल करना है। स्क्रोल करते हुए देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस सेम टू सेम दिखाई देगा। अगर यूपी बोर्ड का भी कर रहे हैं तो आपको इसी तरह का सेम टू सेम प्रोसेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड क्लास 12th का रिजल्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड क्लास 10th रिजल्ट। अगर आप इसमें सर्वर 1 सर्वर 2nd से आपको कोई मतलब नहीं, आप कोई भी सर्वर पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने सर्वर 1 पर क्लिक कर दिया, जैसे हमने सर्वर 1 पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है और रोल नंबर डालने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। जहाँ तक यूपी बोर्ड में जहाँ तक एप्लीकेशन नंबर नहीं मांगता है, ये ज़्यादातर एमपी मध्य प्रदेश में ही मांगता है, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। और कौन सा मेन मतलब जैसे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पर मेन जो भी हो आपका यहाँ पर सारा प्रोसेस ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पर कैप्चर फिल कर देना है, कैप्चर पर फिल करके आपको सबमिट कर देना है। ये तो हो गई फर्स्ट वेबसाइट, अब दूसरी वेबसाइट के बारे में बताते हैं। तो आपको बैक आके यहाँ पर फिर से क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है इंडिया रिजल्ट। जैसे आप इंडिया रिजल्ट सर्च करेंगे आपके सामने जो पहली वाली वेबसाइट आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आप किसी भी राज्य के हों, आप उस राज्य से किसी भी राज्य का भी आप यहां से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस, उससे भी सिंपल प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है MP, उत्तर प्रदेश, UP, गोवा, AP, मतलब जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आप यहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अपना मतलब अपना रिजल्ट। तो मैं MP पर क्लिक करूँ क्योंकि अभी यूपी बोर्ड का तो आया नहीं है। तो अगर आप यूपी बोर्ड का आ गया अगर रिजल्ट आप देखना चाहते तो आप यहां पे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आप आसानी से देख सकते हो। तो मैं MP का बता दे रहा हूँ कैसे मतलब डाउनलोड करना है। तो हमने MP पर क्लिक कर दिया, जैसे ही आप देखिए यहाँ पर MP पर हमने क्लिक किया आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट अगर समझ में आया तो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। ये हम इसलिए दूसरी वेबसाइट बताते हैं, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है जिसके कारण ये हमें ये दूसरी वेबसाइट में जाके आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमने इसको अपने डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर लिखा सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन पर आप क्लिक कर देना है और किसी पर क्लिक कर दीजिए। 12th क्लास देखिए यहाँ पर लिखा CBSE 10th क्लास रिजल्ट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सॉरी ऐड पर क्लिक हो गया, आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे CBSE बोर्ड का रिजल्ट निकला हुआ है तो आपको क्या करना है, 12th CBSE क्लास 12th विन मतलब कक्षा 12 का रिजल्ट घोषित हुआ है वहाँ पर MP पे, तो आपको यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आप 12th के एप्लीकेशन कोड डालिए,
और अपना स्कूल कोड डालिए, रोल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, कैप्चर डालिए और सबमिट कर दीजिए। आप ये दूसरी वेबसाइट से इस तरह आप आधार मतलब सॉरी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।